अगर आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 2024 में लेटेस्ट प्रोसेस के साथ ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि और भी हेल्पफुल कंटेंट आप तक पहुँच सके। जेकेई सर्विसेज के पोर्टल पे बहुत सारी चेंजेस आई हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। तो आपका आपको आना होगा अपने मोबाइल फ़ोन पीसी या कंप्यूटर के ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा जेकेई सर्विसेज। जेकेई सर्विसेज सर्च करने के बाद आपके सामने जेकेई सर्विसेज का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली साइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपके सामने यहां पे लॉगिन पेज आ जाएगा। तो आपको यहां पे साइट पे एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सिटीज़न रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, आपको ये फिल कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट और यहाँ पे साथ में आपको पेरेंटेज सेलेक्ट कर देनी है, फादर हस्बैंड गार्डियन जो भी होगा। उसके बाद आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपकी जो एज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी। उसके बाद आपको यहां से जेंडर सेलेक्ट कर देना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे फ़ोटो एक अपलोड करना है। आपका जो फोटोग्राफ है वो विद क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। इसका जो साइज़ है वो 30 से लेके 50 के बी तक रहेगा और आपका जो फ़ोटो साइज़ है वो मस्ट बी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहां से नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको यहां पे अपना रहनी विलेज फिल कर देना। उसके बाद आपको यहां से एड्रेस लाइन 2 फिल करना है। एड्रेस लाइन 2 फिल करने के बाद आपको यहां से अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी। उसके बाद आपको अपनी तहसील, तहसील के बाद आपको फिर से यहाँ से अपना जो रहनी विलेज है वो डाल देना है। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड डालने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ से यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ से अपनी जो डिटेल परमानेंट एड्रेस डिटेल है वो फिल करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ से अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो है आपको केयरफुली फिल करनी है क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पे OTP जो है वो सेंड किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। यहाँ पे जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक लॉगिन आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे दिखाएगा दिस विल बी योर न्यू लॉगिन आईडी, तो आपको यहाँ से अपनी लॉगिन आईडी जो है वो नोट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना जो मदर नेम है वो फिल कर देना है। मदर नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ से कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपका सिटीजन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का प्रीव्यू है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दिखाएगा सिटीजन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहां से अपना लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड यहां पे शो हो रहा है वो कॉपी कर देना है। आपको यहां से अपना जो लॉगिन आईडी है वो नोट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइड पे लॉगिन का, आपको इस पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो लॉगिन आईडी है वो डाल देना है, जो भी आपका लॉगिन आईडी होगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना पासवर्ड जो आपने कॉपी किया था वहाँ वो पेस्ट कर देना है। पासवर्ड पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से रोल सिटीजन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका कैप्चा है वो फिल कर देना है, जो भी होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। अगर मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आता है तो आपके ईमेल आईडी पे OTP ज़रूर आएगा, तो आपको वो OTP यहाँ पे फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। वेरीफाई ऑप्शन वाले पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज करना है। यहाँ पे आपको जो आपका ओल्ड पासवर्ड है वो डाल देना है। ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ से आपका जो न्यू पासवर्ड है वो डाल देना है। न्यू पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ से अपना कन्फर्म पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक, उसके बाद आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ई सर्विसेज का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ई सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिन्यू डिपार्टमेंट एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे
ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। आपको यहाँ से अपना फादर नेम फिल कर देना, जो भी होगा। फादर नेम फिल करने के बाद मदर नेम डाल देना। मदर नेम डालने के बाद अगर आप किसी फीमेल का कर रहे हो तो आपको यहाँ से स्पोज नेम डालना होगा। उसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ से अपना जो विलेज, टाउन, लोकलिटी यहाँ पे डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको फिल कर देना। पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो पीरियड ऑफ स्टे, प्रेजेंट लोकेशन है, कितने साल से कितने साल तक आप यहाँ पे रह रहे हो, आपको यहाँ पे ईयर्स डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ से मंथ डाल देना है, जो भी आपका यहाँ पे करंट स्टे आ रहा है लोकेशन। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको बता रहा है कि अगर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और किसी स्टेट से है तो आपको यस कर देना, अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद आप अगर आपके पास अगर जो स्टेट सब्जेक्ट है यानी PRC, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास आप किसी एप्लीकेंट का दूसरे का अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि उसके फादर की PRC है और जो एप्लीकेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहां से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी पर्सन्स का अप्लाई कर रहे हो, जैसे उसके पास वोटर लिस्ट अवेलेबल है या कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है, लेबर कार्ड अवेलेबल है या कोई ज़मीन की नकल अवेलेबल है, तो आप यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि ए पर्सन जो है वो रिजाइड कर रहा है यहाँ पे 15 साल से। तो उसके बाद आपको यहाँ से जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपकी चॉइस होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे PRC मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ से परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो चूज़ कर देना है। फाइल आपका जो साइज़ रहेगा वो 100 से लेके 250 KB तक रहेगा। आप यहाँ से PDF भी अपलोड कर सकते हो या JPG फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको आई हियर बाई डिक्लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो, प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये भी वीडियो डाला कि आप अपना एप्लीकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करोगे। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से वीडियो को वॉच कर देना कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कैसे करें या डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हुआ है। OTP आ रहा है आज, तो पहले OTP का ऑप्शन नहीं आता था JKE Services पोर्टल पर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जो इंस्टाग्राम का लिंक है मैंने दे रखा है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।